जनता जनार्दन है जी, जनता ने केजरीवाल की तरफ मन बना रखा है और केजरीवाल डेफिनेटली आएगा, कोई दम नहीं है किसी को हरा देगा। मैं तो दूंगा झाड़ू को। अच्छा, अब माल खाऊंगा सबका। जिससे प्लेट मिलेगी उसकी प्लेट खाऊंगा, जिससे नोट मिलेंगे उससे नोट खाऊंगा, दूंगा झाड़ू को। मैं खुद बीजेपी का वोटर हूँ, मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ और बजरंग दल से भी हूँ, और मैं खुद कह रहा हूँ कि जो इस समय सातों की सातों सीटें जो है वो जो हम जीत के आए थे बीजेपी, अब जो है 70-70 आम आदमी पार्टी लेगी केजरीवाल। ये पर ये फ्री कब तक चलेगा, आप ये सोचिए ना कि फ्री कब तक चलेगा, अल्टीमेटली फिर क्या होगा। तो आपको क्या माहौल लग रहा है कि केजरीवाल नहीं है तो फिर बीजेपी है कि कांग्रेस है दिल्ली में? सब ये तो रिजल्ट बताएगा, पर मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ केजरीवाल जी अगर जवाब देना चाहें कि आपने, लेकिन आप ही के सामने जनता है, जनता कह रही है अच्छा काम हुआ है, जनता को पता ही नहीं है। उसने ये कह दिया जी हमने एजुकेशन स्कूल बहुत सुधार दिया, मुझे 100 बच्चे हैं। जनता को नहीं पता, आपको पता है सब, आपके घर आपकी जनता जो है बेवकूफ है और जो बावजूद सियाने हैं सुनना बाकी समझता है ऐसी है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा अपनी व्यू है, मेरा अपना व्यू है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। पर व्यू जो ना करो पूछ के, तो वो नहीं करो पूछ के, अगर इंटरव्यू चले जाएगा ना, जब जनानियों को पता लगेगा ना, तुसी बाहर है बोलते पे कहने बिजली का बिल जरा माफ हो गया ना, वो कौन भरेगा? साहब बिजली का बिल बस से जड़ी फ्री जा रही है, कौन भरेगा? वो जाके पता लगेगा, ऐसे बोल रहे हो कार जाके रोटी भी बंद हो जाएगी, ऐवे ना बोलो। भाऊजी मेरी बात, तिवारी जी बियर की बोतल पीते हुए कह रहे 5 गुना दूंगा, मेरे साथ नहीं पी रहा, छमिया के साथ पी रहा था किसी। आज तक कोई मायल पैदा हुआ जो टिकट फ्री करवाई हो? बताओ कोई मायल पैदा हुआ? कांग्रेस आई, बीजेपी आई, किसी ने ताकत हुई जो करवा सकता है? बोलो जनता, आप लड़िए अपने फ्री घूमती आराम से मस्त होके, कहीं घूमे कहीं आए, किसकी देन है? केजरीवाल की, वो तो वोट नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? बीजेपी है पैसों वालों की और केजरीवाल है गरीबों का। नमस्कार, मैं हूँ धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरह से इस रेहड़ी में सेब, आम, अमरूद, अंगूर सब सज चुके हैं, उसी तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तीनों पार्टियों ने अपने कैंडिडेट को घोषित कर दिया है। नामांकन की तारीख जो है आज आखिरी तारीख है, नामांकन सबने भर दिए हैं। दिल्ली की जनता इस बार क्या मूड बना रही है, क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि इसी दिल्ली की जनता ने एक साल पहले लगभग मई 2019 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें सातों की सातों सीट जो है वो बीजेपी को दी थी। इस बार विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता का मूड क्या है, यही जानने के लिए हम निकले हैं। हाँ जी भाऊजी, क्या नाम है आपका? महेंद्र मोदी। महेंद्र मोदी? हाँ जी, मोदी जी नाम है आपका? बिल्कुल मोदी है, मोदी है। हम बिल्कुल मोदी है। क्या देख रहे हैं दिल्ली में, चुनावी माहौल क्या है? चुनाव बहुत ठीक चल रहा है, बढ़िया माहौल है। तो चुनाव का किसका रुझान है लोगों? रुझान तो पब्लिक के दिमाग में, लोग केजरीवाल का नाम आ रहा है सबके दिमाग इस टाइम। तो आपका नाम है मोदी, मोदी साहब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? मोदी साहब प्रभाव सेंटर में पड़ेगा, सेंटर में पड़ेगा, आगे पढ़ते रहेगा सेंटर में। अच्छा, ये छोटा स्टेट, छोटे चुनाव है, स्टेट चुनाव में छोटी पार्टियां काम करती है, मोदी वर्तमान टाइम थोड़ी काम करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि सेंटर का चुनाव में मोदी था, अब स्टेट के चुनाव में केजरीवाल? दिल्ली में केजरीवाल। दिल्ली में केजरीवाल, क्यों दिल्ली में केजरीवाल? केजरीवाल काम कर रहा है जी, 4 साल 4.5 साल 5 साल काम किया उसने। अच्छा, काम तो भाई साहब बहुत कुछ किया है, काम तो बिजली का, बिजली बिल कम करा दिए, पानी के करवा दिए, जितने मोहल्ला क्लिनिक दिन बना दी, और काम सारे करवा रहे, बस से पास शुरू करा दी, मेट्रो काम भी करवा रहा है अब। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं भाई साहब, दिल्ली का रुझान क्या कह रहा है, दिल्ली की जनता क्या चाह रही है? केजरीवाल को वोट देंगे। केजरीवाल को वोट देंगे, क्यों? केजरीवाल काम किया जी उन्होंने, शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के, पानी के, अच्छा काम किया उन्होंने, अच्छा काम किया है। लेकिन अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ, सातों की सातों सीट जो है वो बीजेपी की तरफ चली गई थी, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी, अब ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ केजरीवाल है। जो सेंटर के इलेक्शन हुए थे उसमें सातों के सातों एमपी की जो थे बीजेपी के आए थे, और अगली बार भी बीजेपी के आएंगे सातों के साथ, और अब जो दिल्ली में चुनाव होंगे उसमें 70-70 आम आदमी पार्टी को मिलेगी केजरीवाल के नाम पे। क्यों ऐसा क्यों? उन्होंने काम किया है, काम किया है, कोई ऐसा नहीं है जो उन्होंने छोड़ा होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का वोटर भी जो है केजरीवाल को वोट करेगा? मैं खुद बीजेपी का वोटर हूँ, मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ और बजरंग दल से भी हूँ, और मैं खुद कह रहा हूँ कि जो इस समय सातों के सातों सीटें जो है वो जो हम जीत के आए थे बीजेपी, अब जो है 70-70 आम आदमी पार्टी लेगी केजरीवाल। ये जो है दिल्ली के चुनाव में एक बड़ा जो है क्रंच है कि दिल्ली के चुनाव में बीजेपी का आरएसएस का कार्यकर्ता भी ये कह रहा है कि दिल्ली में जो है वो केजरीवाल रहेंगे। बाबूजी आप बताइए, काफी चुनाव देखे हैं, इस बार के चुनाव में
क्या लग रहा है दिल्ली में? मुझे तो यही लग रहा है कि केजरीवाल को वोट सबसे ज़्यादा जाएंगे और वो तकरीबन स्वीप कर जाएगा पूरी दिल्ली को, क्लीन स्वीप कर देगा। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हाँ। बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा। हाँ, आप एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए उसने बहुत अच्छे काम किए। अच्छा। हाँ, भौजी आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कीर्ति सानी। अच्छा सानी जी, बताइए आपको क्या चुनावी माहौल नजर आ रहा है? सर चुनावी माहौल तो पता लगेगा जब रिजल्ट आएगा, पर मुझे ये चीज बताइए, लोग वो कहते हैं केजरीवाल साहब की मैंने एजुकेशन के केस में बहुत काम किया, एजुकेशन बहुत सुधार दी, मुझे पूरी दिल्ली में 100 बच्चे ला के दिखा दिए, आपने एजुकेशन इतनी बढ़िया कर दी कि वो प्राइवेट स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में चले गए। आपने 5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों के जो 9वीं में फेल हुए उन्हें दोबारा एडमिशन नहीं दी, जिसको सरकारी स्कूल दोबारा एडमिशन नहीं दे रहा उसे प्राइवेट वाले तो क्या देंगे, तो उन्हें आपने पढ़ाई से महरूम कर दिया, ठीक है कि नहीं? आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अपने जो कार्यकर्ता थे उनको एक मकान किराए पे चढ़ा दिए, उनकी एक इनकम बना दी, ठीक है ना? आप केजरीवाल के लड़के का IIT में एडमिशन हुआ है इसी साल। सर वो पढ़ा कहाँ था? और वो दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ा था। सुनिए सुनिए। हाँ। केजरीवाल के लड़के का IIT में एडमिशन हुआ है इसी साल। हाँ जी। और एक रिक्शा चालक का लड़का जो कि एक एकेडमी में कोचिंग लिया, उस एकेडमी का खर्चा दिल्ली सरकार उठा रही है, उसको भी जो है केजरीवाल के साथ में बेटे के साथ में IIT में एडमिशन मिला। सर वो बच्चे की काबिलियत थी ना, कितने बच्चे कोचिंग लेते हैं, वो बच्चे की काबिलियत थी, ठीक है ना? केजरीवाल का कोई रोल नहीं था। तो आपको क्या माहौल लग रहा है कि केजरीवाल नहीं है तो फिर बीजेपी है कि कांग्रेस है दिल्ली में? सब ये तो रिजल्ट बताएगा, पर मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ केजरीवाल जी अगर जवाब देना चाहें कि आपने, लेकिन आप ही के सामने जनता है, जनता कह रही है जनता को पता ही नहीं है, उसने कह दिया जी हमने एजुकेशन स्कूल बहुत सुधार दिया, मुझे 100 बच्चे जनता को नहीं पता, आपको पता है, जनता को नहीं पता। मैं कहता हूँ आपका व्यू 100% सही है, मैं ये नहीं कह रहा, ये मेरा अपनी जगह सही है, आपका अपनी जगह सही है, आपके घर आप जनता जो है बेवकूफ है और जो बावजूद सियाने हैं इनको बाकी समझता है वैसे ही है। जी मैं नहीं कह रहा, तुसी गलत कह रहे हो, मैं कह रहा कि थोड़ा अपनी व्यू है, मेरा अपना व्यू है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। पर व्यू जो ना करो पूछ के, तो वो नहीं करो पूछ के, अगर इंटरव्यू चले जाएगा ना जब जनानियों को पता लगेगा ना, तुसी बाहर है बोलते पे कहने बिजली का बिल जड़ा माफ हो गया ना, वो कौन भरेगा? साहब बिजली का बिल वास्ते जड़ी फ्री जा रही है, कौन भरेगा? वो जाके पता लगेगा, ऐसे बोल रहे हो घर जाके रोटी भी बंद हो जाएगी, ऐवे ना बोलो, पता लगेगा जाके, तुसी ये गल्ला छोड़ दो, गल्ला करने वाली है, मेरे घर नहीं चल जाएगा, जदाद होनी है, पिछली पुरानी जदाद बड़ी पई होनी है ना, इधर कमाना पैंदा, रोज कमाओ सवेरे रोज खाओ। हकीकत क्या है दिल्ली की? जनता जनार्दन है जी, जनता ने केजरीवाल कितना मन बना रखा है और केजरीवाल डेफिनेटली आएगा, कोई दम नहीं है किसी में कोई हरा देगा। अच्छा, और 70 में से 69 सीट पक्की है, 70 में से 69 सीट पक्की, एक सीट कांग्रेस की। अच्छा, एक सीट कांग्रेस की। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करता सर, खाली हूँ, किसी का पेंट कर लेता हूँ, 2 रुपए कमा लेता हूँ, किसी का कुछ कर देता हूँ, 4 रुपए। आपको क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में? मैं तो दूंगा झाड़ू को। अच्छा, अब माल खाऊंगा सबका, माल जिससे प्लेट मिलेगी उसकी प्लेट खाऊंगा, जिससे नोट मिलेंगे उससे नोट खाऊंगा, दूंगा झाड़ू को। अच्छा भाई साहब, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, औरतों को बसें फ्री कर दी, ठीक है जी, जो अवेयरनेस ये बिल्डिंगे थी जिनके मकान जो थे बेकार थे, जिनको कोई प्रूफ नहीं था, उनके मकान पक्के हो गए, सब कुछ हो गया, सारे बिजली पानी, हर किसी पैसे वाले घर से पूछ लो, जो करोड़पति भी होगा ना वो कहेगा मेरे घर में 5,000 रुपये महीने का मुनाफा हो रहा है, सेव हो रहा है बिजली पानी के लिए। भाजी ये गरीब जनता जो है, वो एक रिक्शा चालक जो है वो ये कह रहा है कि मैं माल खाऊंगा सबका लेकिन झाड़ू को वोट दूंगा, सर मेरा बिजली पानी फ्री हो गया। सर उसकी इच्छा है। अच्छा, ये कि नहीं? पर ये फ्री कब तक चलेगा? आप ये सोचिए ना कि फ्री कब तक चलेगा, अल्टीमेटली फिर क्या होगा? फ्री कब चलेगा? अभी तो वो फ्री कब तक चलेगा भाजी? अभी 5 साल चलिए, 5 साल नेक्स्ट चलेगा, फिर आएंगे वो, फिर चलेगा, 5 साल, 5 साल चलता है ना, 5 साल चले दो, और 5 साल जब तक रहेगा सदम चलता रहेगा फ्री, मतलब विश्वास आप ये पूरा विश्वास है जी, इसमें विश्वास पूरा है, 100% है, 100% है विश्वास पूरा। अगर ये फ्री नहीं लेना चाहते, तिवारी जी कह रहे 5 गुना फ्री देंगे, वो ले लोगे आप तिवारी जी? उसके भी इशू, वो भी नहीं होना चाहिए, तिवारी होना ही चाहिए, बियर की बोतल पीते हुए कह रहा है भाजी, मेरी बात, तिवारी जी बियर की बोतल पीते हुए कह रहे 5 गुना दूंगा,
आपके साथ मेरे साथ नहीं पी रहा, छमिया के साथ पी रहा था किसी, आपने आपकी जानकार हो। जब से आम आदमी पार्टी आई है पुलिस भी डरती है, पुलिस जो है मतलब कहते हैं अगर हमारी कॉलोनी का कोई प्रॉपर्टी डीलर वेरिफिकेशन करने जाता था तो एक वेरिफिकेशन की मोड़ लगाने के पुलिस वाला 100 रुपए लेता था। आज जो है पुलिस वाले भी डरता है कि कहीं कोई बंदा जो केजरीवाल का बंदा या कोई भी रिकॉर्डिंग करके आगे ना भेज दे। इस वजह से जो है हर तरह से करप्शन जो है कम नहीं हो रहा, बहुत कम हो रहा है। केजरीवाल ने जो काम किए हैं शायद किसी ने किए होंगे। केजरीवाल ने ही दिखाया कि बिजली फायदे में जा रही है, पानी फायदे में जा रहा है। आज तक किसी नेता ने नहीं कहा कि बिजली जो हमेशा कहते हैं बिजली घाटे में जाती है, पानी जो आ नहीं रहा, पानी आज जब पानी मिलता है अब 24 घंटे बिजली मिल रही है, हमें हर तरह सुविधा मिल रही है। अगर एक बार कोई उठ के कहीं जाता है तो उसकी सुनवाई होती है। क्या करते हैं आप? मैं जी कोरियर का काम है मेरा अपना, कोरियर का काम। हाँ जी, तो ये सच में आम जनता पूरी तरह मन बना गई है क्या केजरीवाल की तरफ? हमारे यहाँ पर सत्येंद्र जैन जी ने इतने काम किए हैं कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता। आज तक बीजेपी का कोई नेता ऊपर से नीचे नहीं आया, बहुत काम किए हैं जी, हर गली में हर मोहल्ले में। और ऐसे आम आदमी लगते हैं कभी भी बुलाओ तुम्हारे पास हमेशा आने को लिए तैयार रहते हैं। किसी तरह भी ऑफिस जाओ, किसी तरह भी जाओ, कभी जाओ, एक मिनट के अंदर पहले काम करते हैं। इसलिए यहाँ पर तो अच्छा हमें बाकियों का तो बंदा नहीं है। आमतौर पर पश्चिम बिहार में रहते हैं, आमतौर पर 5 साल सरकार चलाने के बाद में सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकमबेंसी हो जाती है। तो क्या एंटी इनकमबेंसी नहीं है सरकार के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई भी नहीं? पहली बार ऐसी पार्टी आई है जिसमें जो है ना कोई एंटी इनकमबेंसी नहीं है। हाँ भाजी, आप बताइए कहाँ जा रहे हैं? साइकिल से? साइकिल जा रहे हैं, घूम रहे हैं। क्या जा रहे हैं? घूम रहे हैं। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का? माहौल केजरीवाल माहौल लग रहा है। क्या लग रहा है केजरीवाल का? आज तक कोई मायल पैदा हुआ जो टिकट फिर करवाई हो? बताओ कोई माल पैदा हुआ? कांग्रेस आई, बीजेपी आई, किसी ताकत हुई जो करवा सकता है? बोलो जनता, आप लड़िए अपने फ्री घूमती यार, आप तो मस्त होके कहीं घूमे कहीं आए। किसकी देन है? केजरीवाल की। वो तो वोट नहीं मिला कि उसको मिलेगा, उसके पास पैसे नहीं। तो क्या दिल्ली का चुनाव पूरी तरीके से आप ही कहेंगे एक तरफा है? एक तरफा आप कह रहे? पक्का रिकॉर्ड एक तरफा। अच्छा डायरेक्ट भौजी, ये सब जो है सारा यहाँ पर आप ही सिर्फ एक बीजेपी से बोल रहे हैं या? मैं बीजेपी के नहीं बोल रहा हूँ, उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन सब लोग तारीफ कर रहे हैं उनकी। सब उनका विचार हो सकता है, मेरा अपना विचार है। मैं सर्विस की मेरे रिटायरमेंट खड़ा हुआ है, मिलिट्री के रिटायरमेंट है, साइकिल चल रहे हैं। अच्छा हाँ, तो ये देखिए ये जो है फौज से रिटायरमेंट, आप ये भी नहीं कह सकते कम पढ़े लिखे हैं, समझ नहीं सब है। पढ़े लिखे की इसमें बात ही नहीं, जब वोट डालने जाते हैं आपकी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा देखते हैं। होता है ना कि पॉइंट ऑफ व्यू की आप बात कर रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, पढ़े लिखे व्यक्ति मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा बोलता है समझता है जानता है। सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोठी में जो रहता है उसको तो पानी का बिल आता नहीं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है ठीक है उसका मालिक का कहता है मैं तो 200 रुपए महीना लूंगा, गरीब को तो मिल नहीं रहा। क्या कौन जा रहा है बिल लेने का? बताओ लेते हैं ना, मेरी अभी चलिए मेरे घर माई काम कर रही है, उससे एक बल्ब का मालिक 500 रुपए लेता है और पानी के 200 रुपए लेता है। चलिए अभी पूछाता हूँ। हाँ जी, इनकी हालत देख के लगता है ये माई रखी होगी इन्होंने, इनकी हालत ये बातें ऐसे ही कर रहे हैं। नहीं देखो बातें ऐसे ही कर रहे हैं, बेकार की बातें कर रहे हैं। जितने लोग यहाँ खड़े हैं 500 रुपए तो बिल नहीं आता किसी का, बंदा इनके लोगों में एक ही बंदा है जो कह रहा है बीजेपी बीजेपी कर रहा है। या इनको यही क्या पैसे के लाए हुए बंदे हुए? ये लोग पैसे के लाए हुए, ये साइकिल वाले यहाँ स्पेशल आए हैं, एक ही बंदा ये भी है पैसों वालों की और केजरीवाल है गरीबों का। ये पैसे हमें देते बिल माफ है हमें दे। आप क्या करते हैं? फेरी लगाते हो कबाड़ी की? कबाड़ी की फेरी, कबाड़ी की फेरी लगाते जी लोगों में घूमते हैं। क्या माहौल है लोगों में केजरीवाल का? केजरीवाल जी, केजरीवाल माहौल लग रहा है। केजरीवाल आप बताइए। केजरीवाल स्विगी में जॉब करता हूँ, स्विगी में जॉब करता हूँ। क्या माहौल लग रहा है आपको? 5 साल केजरीवाल इस बार ही आने वाला है, इस बार भी आने वाला है। केजरीवाल आने वाला है। आप बताइए भाजी, आपको केजरीवाल? केजरीवाल ये बेटा इधर आओ, इधर आओ। मम्मी पापा क्या बोलते इस बार, किसका माहौल है? केजरीवाल का। केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी। ये देखिए यहाँ पर जो है हम थोड़ी देर के लिए बातचीत के लिए यहाँ पर खड़े हुए थे और आलम यह है कि हर कोई जो है एक ही जुबान कह रहा है कि केजरीवाल। बात यह है कि हम जनता जो है वो सीधे तौर पर कह रही कि आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए केजरीवाल ने जो काम किए हैं उसकी वजह से केजरीवाल को लेकर के आम जनता के बीच में, खास करके जो गरीब तबका है उसके बीच में जो है केजरीवाल की एक बड़ी छवि है
और इसीलिए ये चुनाव जो है वो पूरे तरीके से केजरीवाल के नाम पर है और केजरीवाल को एक तरफा जो है ये इलेक्शन यहाँ पर जनता देख रही है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।